आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉस। अभी तक हमने रेट लॉस पढ़ा, रेट कांस्टेंट्स पढ़ा, ये पढ़ा कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हो, और ये भी पढ़ा कि रेट लॉ दिया हो तो ऑर्डर्स कैसे लिखते हैं। मतलब अभी तक हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ी, उनके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, ये सब पढ़ा हमने। बट आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। एक्चुअली ये लॉज इसलिए होते हैं, इनके थ्रू हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। फॉर एग्जाम्पल टी जीरो पे एक्स है, तो मैं ये लॉज यूज करके टी फाइव मिनट्स पे कितना रिएक्टेंट बचा है ये वैल्यू निकाल सकती हूँ। है ना इंटरेस्टिंग? सो इंटीग्रेटेड रेट लॉ किस लिए यूज होते हैं? टू डिटरमाइन द अमाउंट, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, ऑफ रिएक्टेंट्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यस, सबसे बड़ी एप्लीकेशन इस लॉ की यही है। अब मैंने एक्चुअली फर्स्ट, सेकेंड और जीरो ऑर्डर के लिए सबसे इजी फॉर्म ऑफ रिएक्शंस निकाली है। एक्चुअली आपको बहुत तरह की फॉर्म में ये रिएक्शंस मिल जाएंगी, बट हमको बहुत सारी फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको सबसे इजीएस्ट फॉर्म में चाहिए जिससे हम अप्लाई करें और हमें आंसर आए। तो सबसे इजीएस्ट का है फर्स्ट ऑर्डर के लिए के ए, वेट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है लॉग ए नॉट अपॉन ए एट अ पर्टिकुलर टाइम टी इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, और इन इक्वेशन की सबसे बड़ी खास बात है कि आप सिर्फ इस इक्वेशन के सहारे अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए होती है? इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये log a नॉट माइनस, ये अब लॉगरिथम आपको आना चाहिए, नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, मैं एक पूरी क्लास लॉग ही पढ़ा दूंगी। तो आपको पता है ना, लॉग्स जब डिवाइड हो रहे हो तो रियलिटी में वो माइनस हो सकते हैं, होते हैं। ओके, तो अगर ये के टी करूँ मैं, तो लॉग ए नॉट के टी प्लस लॉग ए टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा, तो ये मेरा वाई, ये मेरा एम एक्स और ये मेरा सी। ठीक है, आपको पता है ना, एम मतलब स्लोप और सी मतलब इंटरसेप्ट। ओके, तो ये भी हो गया। नाउ सेकंड ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला है ये लिखते हैं। ये भी इजी है। ओके, बस थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि फर्स्ट ऑर्डर में हमने लॉग की फॉर्म में लिखा है, सेकंड ऑर्डर में हमने लॉग की फॉर्म में नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे वन अपॉन ए टी होगा के टी प्लस वन अपॉन ए नॉट, अगेन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। नाउ आए हम अब जीरो ऑर्डर पे। जीरो ऑर्डर सबसे आसान रिएक्शन, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस के टी। देखो, क्योंकि देखो ये माइनस के टी क्यों आया, बहुत इजी है। रिएक्टेंट्स जब अपने जीरो टाइम पे होगा, मान लो तब फाइव मोलर रिएक्शन था, पर जब पाँच मिनट के बाद टी टाइम के बाद वो दो मोलर रह गया, तो दो में से पाँच गए तो माइनस थ्री हो गया ना। और यहाँ पे के टी इसीलिए लिखा है कि इसे पॉजिटिव कर सके। समझ आया क्या हुआ? इसीलिए ए टी माइनस ए नॉट है माइनस
ये आपको तीनों इक्वेशन याद रहनी चाहिए, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब जब आपसे ये याद हो जाए तब अब हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखा, जैसे आप कलर्स ले लेते हैं। ओके, देखो ये हो गया लॉग ए नॉट इज इक्वल टू के टी प्लस लॉग ए टी। देखो हर चीज को ना एकदम रटने की कोई जरूरत नहीं है। इनिशियल रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होगा और बाद का जो टी टाइम के बाद रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, तो उसमें कुछ अमाउंट ऐड करेंगे तब वो इनिशियल के बराबर आएगा, लॉजिकल। नेक्स्ट 1/80, 1/a0, 1/380 मान लेते हैं, 1/a0 इज 5 मान लेते हैं, तो नीचे आने के बाद तो ये 0.2 ही हो गया और ये फिर भी बड़ा नंबर रहा 0.3, इसीलिए इसमें kt ऐड किया गया है। तो ये मत बोलने आ जाना कि a नॉट में तो यहाँ kt ऐड किया हुआ है, 1/a0 में kt ऐड किया हुआ है। ओके, जीरो ऑर्डर तो सबसे अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। ओके, अब इतना समझ आने के बाद अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं। मैं सी फिजिकल केमिस्ट्री बिना क्वेश्चंस के नहीं हो सकती, तो क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा, जितने क्वेश्चंस करो उतना अच्छा। तो मैं देखो ऐसा करती हूँ, रेट दिया है मैंने एक इक्वेशन का ये, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू है ये। ओके, और एच आई की कंसंट्रेशन है 0.0100 मोल ओके पर लीटर। अब कितना टाइम लगेगा, ये जीरो टाइम पे है ठीक है, अब मुझे टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा इसको होने में 0.0900 मोल पर लीटर। तो मुझे टी टाइम पे भी इसकी कंसंट्रेशन मिली हुई है। अब देखो यहाँ पे मुझे ये पता कैसे चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये आपको पता चलेगा के कांस्टेंट की यूनिट से, यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट विल हेल्प यू डिटरमाइन द ऑर्डर, क्योंकि जब तक ऑर्डर नहीं पता चलेगा हमें पता ही नहीं चलेगा हमें फॉर्मूला क्या लगाना है। ओके, तो ये कैसे निकालते हैं, ये भी निकाल देंगे, इसमें क्या बात है। अब मान लो रेट की तो एक ही क्वेश्चन होती है, मोल पर लीटर सेकेंड, क्योंकि रेट तो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन होता है मोलारिटी अपॉन टाइम की इक्वेशन सेकेंड्स। तो ये तो हो गया, अब हम ये वाली इक्वेशन यूज करने वाले हैं, मोल पर लीटर सेकेंड। अब के ऐसे करो, अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है एक, अभी हम लोग पहले मैं फर्स्ट मेथड मुश्किल वाला मेथड बताऊंगी, देन सेकेंड इजी मेथड बताऊंगी। आई नो सब कहेंगे कि इजी मेथड ही बता दो, बट तुम्हें नहीं बताना हर क्वेश्चन की, क्या पता किसी क्वेश्चन में आपको मुश्किल मेथड भी यूज करना पड़ जाए। तो यहाँ पे मोल स्क्वायर से, हाँ या मोल स्क्वायर ये हो गया कंसंट्रेशन मोलर और लीटर स्क्वायर। सो ये तो अगर ये लीटर पर सेकेंड मोल, ओके, तो ये रहा कि, और अब यहाँ पे हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, लीटर मोल पर मोल सेकेंड। देखो तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर,
क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ था, और इसका आसान तरीका है, अगर उसने रेट लॉ दिया है, अगर क्वेश्चन ने रेट लॉ दिया है तो सिंपल रेट लॉ देखना है और ऑर्डर काउंट कर देना है कि टोटल रिएक्टेंट्स में पावर ऐड कर दो तो ओवरऑल रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर टोटल रिएक्टेंट्स का सम, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो ओवरऑल ऑर्डर हो गया सेकंड। ओके सी आई एम सो नाइस, मैंने आपको दो मेथड्स बताए। आई नो फर्स्ट मेथड थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है कि इतने सारे मैथ काम क्यों करो, बट आपको नहीं पता कितनी बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि आपको ये वाला मेथड यूज करना पड़ा है। तो आप अब वैल्यू निकालो। तो अगर ये सेकंड ऑर्डर है तो मैं सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देती हूँ, 1/80 - 1/A0 kt। ओके तो 1/80 में इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻³। माइनस ए नॉट, ए नॉट की वैल्यू है 1 × 10⁻²। के की वैल्यू 2.4 × 10⁻²-21। और टी मुझे निकालना है, 1 × 10⁻²-0.9 × 10⁻²-2। मैं बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैथ के साथ थोड़ा खेलती रहती हूँ, और आपको भी खेलना चाहिए। 9 × 10⁻³ व्हाट्स दैट, 10⁻²-2 = 2.4 × 10⁻²-21। कितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, -21 बहुत छोटी है। ओके तो अब इसको क्या करना है, तो ये हो गया 1 में से 0.9 गया तो 0.1 बचा, 10⁻², 9 × 10⁻³ × 10⁻², ये भी कट गया, और यहाँ पे 2.4 × 10⁻², t 21 टू टी आया। अब टी मुझे निकालना है, 0.1 ÷ 9 × 10⁻³ × 2.4 × 10⁻²। अब यहाँ पे टाइम, ये तो बहुत बड़ा टाइम आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा, इसको ऐसे हट गया, 1000 ÷ 9 × 24 × 21। तो अब इसको अगर मैंने किया, इसका आंसर आया 4.6। सिक फिक्स की बात है तो कितना, 2 सिक फिक्स लेके चल रहे थे हम लोग। ओके ऐसे ठीक है, मैं 2 सिक फिक्स से कर रही हूँ अभी, मतलब मुझे नहीं, ठीक है। हम लोगों ने शुरू तो बहुत सारे सिक्फिक्स से किया था, यहाँ पे देखो तो सबसे कम सिक्फिक्स 2 है, तो 4.6 × 10⁻²-21, ये तो बहुत बड़ा टाइम हो गया भाई, 10% ख़त्म होने में इतना टाइम कौन लेता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हाइड्रोजन परोक्साइड पे। हाइड्रोजन परोक्साइड आपको पता होगा, ये डिकम्पोज होता है H2O और ऑक्सीजन में। हाँ ठीक है, अब इसको एक बार बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया ये बैलेंस्ड। अब है कि 1.28 मोलारिटी, ठीक है, तो H2O की, ठीक है, इनिशियल मोलारिटी है 1.28, ठीक है। अब यहाँ के 10 मिनट बाद मोलारिटी हो गई 0.85,
ठीक है। उसके बाद अब हमें पहले इसका पहला पार्ट है कि रेट कांस्टेंट निकालो, दूसरा है कि मान लो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ एन इनिशियल अमाउंट। Of H2O2 to decompose। अब इस वीडियो का ये लास्ट पार्ट है, मुझे लगता है आज आप ये फॉर्मूला समझ लो, आज आप ये कंसेप्ट समझ लो और आज आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो। बस आज का आपका यही टारगेट है, मैं बहुत प्रेशर नहीं डालूंगी। ओके, तो पहले K कांस्टेंट निकाला जाए, ठीक है। तो K कांस्टेंट कैसे निकलेगा, निकल जाएगा। पहले आपको रेट लॉ पता है? नहीं, मुझे तो अब रेट लॉ भी नहीं पता। तो अब कैसे होगा, अब हम ऐसा करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे। जब मुझे रेट लॉ भी नहीं दिया, देखो होता है ऐसा कि मुझे रेट लॉ भी नहीं दिया और फिर मुझे रेट लॉ डिराइव करने वाली सारी चीजें भी नहीं दी, कितने मीन है ये लोग, ठीक है। मुझे पता ही नहीं है कैसे होगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, एक बार क्वेश्चन में वापस जाके चेक करूंगी कि क्वेश्चन में तो मुझे वैल्यू नहीं थी, या फिर मैं जो इन्विजिलेटर होगा, अक्सर एग्जामिनेशन में बोर्ड के एग्जाम में हो जाती है मिस्टेक, आप इन्विजिलेटर से भी पूछ सकते हो, या फिर आते हैं ना डिस्कस करने वाले उन लोगों से पूछ सकते हो, तो वो आपको बता देंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर निकालने की लिमिटेशंस है, या तो आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए, या तो आपको के कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट्स बता दो तब भी आप ऑर्डर निकाल लोगे, या फिर आपको रेट लॉ दे दिया जाए तब आप ऑर्डर निकाल लोगे। अगर इन सब में से कुछ भी नहीं दिया गया तो भाई क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके, अब फर्स्ट ये हमें पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, लॉग A naught minus log AT is equals to KT। तो log A naught की वैल्यू थी 1.28, log AT की वैल्यू थी 0.85 और log K की वैल्यू नहीं पता, T की वैल्यू थी 10। तो अब हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 1.28 by 0.85, जिससे भी प्रॉब्लम हो लॉगरिदम डिस्कस करने में वो मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल दें, मैं एक पूरी क्लास ले लूँगी आपको लॉग पढ़ाने के लिए, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग। और आज के लिए ये इतनी वीडियो काफ़ी है, आज मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे कंसेप्ट पढ़ो, ये सारे फॉर्मूलाज याद कर लो, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको आए आप कर लो, बस आज आप बस इस चीज़ पर फोकस करो। तो 1.28 डिवाइड बाय 0.85 इज 1.5, लॉग 1.5 इज इक्वल टू 10k। अब इसमें क्लियर करो लॉग 1.5 की क्या वैल्यू है, 1.5 ये है 0.405 10k, तो k की वैल्यू हो जाएगी 405 by 10, so the 0.0405, so yes, 4 into 10 raised to 10 is over minus 2, ये हो गया answers। So आज हमने बहुत important topic पढ़ा है, मतलब आते रहते हैं, हर साल question आते हैं, हर साल बच्चे गलत करते हैं, हर साल बच्चे सही करते हैं। तो अब next है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, मार्क कर लो, और अब जो कराने वाले वो वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ एन इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2 टू डिकम्पोज। अब मैं इनिशियल अमाउंट को मान लो A0 ही रखती हूँ, तो AT को मैं क्या रखूँ, या फिर इसे, हाँ
इसे ऐसा कर सकते हैं। और इसे at को कैसे रख सकते हैं, 25 ऑफ a नॉट रखूं, 25% ऑफ a नॉट रखूं, जैसे 0.25 ऑफ a नॉट रखूं या 0.75 ऑफ a नॉट रखूं, क्योंकि ये बोल रहा है 25% H2O2 का डिकम्पोज कराने के लिए। और हम यहाँ क्या डिस्कस करते हैं कि एक टाइम के बाद कितना रिएक्टेंट बचा है, तो 0.75 ऑफ ए नॉट। अभी टाइम पूछ रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील, सब कुछ तो हमारे पास है ही, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी इज इक्वल्स टू के टी, तो लॉग ए नॉट है, इसे ऐसे कर लो, ए नॉट बाय ए टी के टी, लॉग ऐसे हुआ, ए नॉट हुआ हमारा ए नॉट, ए टी है 0.75 ए नॉट, के हमको पता है 4 × 10⁻², और के हमें निकालना है। ओके, ए नॉट से ए नॉट कटा, लॉग हुआ ये 100 और ये हो गया 75, 4/3। ओके, और ये है 4 × 10⁻²×t, तो 4/3 होता है 1.33, लॉग 1.33 4 × 10⁻²×t, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1.33 होता है 0.285। ओके, तो 4 × 10⁻², टी से करो तो मैं इसे ऐसे करूँ तो 28.5 × 10⁻², डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻², टी ये कट गया, 28.5 / 4, टाइम हुआ 7.125। ओके, यस, वी गॉट इट, तो ये भी हमारा हो गया। आई नो ये फास्ट गया है क्योंकि ये बहुत इजी था, बस इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि ये डिकम्पोजिशन की बात कर रहा था, और ए टी पे हम कितना रिएक्टेंट हमारे पास बचा है इसकी बात को डिस्कस करते हैं। सो आज के लिए काफ़ी हो गया, बहुत सारी प्रैक्टिस करना और लर्निंग। बाय।